हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। एंड आज जो हमारा टॉपिक होगा वो जैन धर्म पे जैनिज्म के बारे में होगा। तो आज हम जैनिज्म को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज मैं आपको पूरा जैनिज्म को कंप्लीटली समझाने वाली हूँ जैन धर्म में। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, ओके। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि जैन धर्म के, हमारे जैन रिलीजन के फाउंडर कौन थे, उनकी स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ बताऊँ उसको करते जाना। अब हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्लियर। तो बात करेंगे यहाँ पर महावीर की, जो जैन धर्म है इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए तो फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव थे जो जैन धर्म के क्या थे, फाउंडर थे। और अगर यही आपसे पूछा जाए रियल फाउंडर कौन थे, इन दोनों में फर्क है, इस दोनों में ही गलतियां कर जाते हैं बच्चे। अगर आपसे फाउंडर पूछे जैन धर्म के, जैन रिलीजन के, तो आपका राइट आंसर होगा ऋषभ देव। और रियल फाउंडर पूछे जैन धर्म का तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महावीरा। तो ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे कि जैनिज्म जो है वो बिलीव किस में करते थे, 24 तीर्थांकरास पे। आपको पता है ना 24 तीर्थांकरास क्या होते हैं। जो 24 तीर्थांकरास का मतलब होता है टीचिंग, जो टीचर्स होते हैं उसको देखा जाता है। तो जैनिज्म जो है वो 24 नंबर पे आते हैं, महावीरा जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, तो यहाँ पे टोटल कितने 24 आप लोगों के तीर्थांकरास थे। और 24 नंबर पे जो आप पूछा जाता है तो वो आपके कौन है, महावीरा जो है वो 24 नंबर पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 24 तीर्थांकरास कौन है तो वो है आप लोगों के महावीरा। और सबसे पहला वाला भी पूछ लिया जाता है, जो फर्स्ट तीर्थांकरास थे तो वो कौन थे। तो फर्स्ट वाला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा ऋषभ देव, ठीक है। तो याद रखना आपको ये ऋषभ देव है, तो आप लोगों का पहले ऋषभ देव थे और 24 नंबर पे जो आते हैं वो कौन है, महावीरा। तो जैनिज्म जो बिलीव करते थे वो 24 तीर्थांकरास पे बिलीव करते थे। ऋषभ देव बीइंग द फर्स्ट महावीरा कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध बीइंग द 24 तीर्थांकरास। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो ऋषभ देव है वो पहले और महावीरा जो है वो 24 तीर्थकर थे, ठीक है, तीर्थांकरास थे। आगे देखेंगे तो 23rd नंबर पे आता है, तो 23rd अगर हम बात करेंगे, जो 23rd नंबर पे जो तीर्थांकरास थे उनका एम्बलम क्या था, स्नेक था, सांप था। और वो किसके राजा थे, वो किसके बेटे थे, वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस, ठीक है। तो जो राजा थे अश्वसेना उनके ये बेटे थे। आगे बात करेंगे तो जैन लिटरेचर, तो जैन की जो साहित्य है वो किस में लिखी गई थी, प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में। क्लियर हो गया, आपको ऐसे ही पॉइंट्स याद रखते जाना है क्योंकि इसके बाद जैन धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म को भी करने वाले हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जैन का जो साहित्य है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, और अगर हम बौद्ध के लिटरेचर की, बौद्ध के साहित्य के बारे में बात करेंगे तो वो पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में लिखा गया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जैन के, जैनिज्म की लाइफ के बारे में, जो महावीरा थे उनके जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम उनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि उनकी जो बर्थ की टाइमिंग थी वो क्या थी, 540 BC में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंदग्रम में, वैशाली बिहार में, वो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जांत्रिका क्लेन के क्या थे, हेड थे, ये भी याद रखना। उनकी माँ थी त्रिशला, जो, और वो सिस्टर किसकी थी, लिच्छवी प्रिंस चेतक ऑफ वैशाली की। और महावीरा जो है इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और इनकी जो बेटी थी, डॉटर, वो कौन है, प्रिया दर्शेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने देखा है कि वो जो उनके हस्बैंड है जमाली, वो पहले डिसाइपल थे, पहले शिष्य थे किसके, महावीर जी के, ठीक है। और जो महावीर है उनकी डेथ कब हुई थी, 468 BC में, कहाँ पर, पावापुरी बिहार में। ये सारी बातें याद रखना क्योंकि इनसे रिलेटेड आपने प्रीवियस ईयर चेक किया है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको कराती जाऊँ सब करते रहना। तो जमाली वो हैं इनकी बेटी के जो हस्बैंड थे, जो उनके दामाद थे, वो पहले शिष्य थे, पहले डिसाइपल थे किसके, महावीरा के। क्लियर हो गया।
अब मैंने आपको बता दिया कि इनकी डेथ की टाइमिंग क्या थी, इनका जन्म कब हुआ था, कौन से प्लेस पर हुआ था, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, अब हम देखेंगे कैवेलिया के बारे में। तो कैवेलिया क्या है ये सब कुछ अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो कैवेल्य क्या है, तो स्टूडेंट कैवेल्य वो जगह है जहां पर महावीरा ने मेडिटेशन की थी, ठीक है, मेडिटेशन करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, इनलाइटमेंट प्राप्त की थी, वो जगह है कैवेल्य। जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने कहां पे सरनाथ में मेडिटेशन किया था और वहां पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर वो कैवेल्य वो जगह है जहां पर इन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया था, कौन सी एज में, 30 की एज में, जब 30 साल के थे, कहां पर किया था, रिजुपाडिका बैंक रिवर में, ठीक है, रिजुपाडिका का रिवर है याद रखना, एट जिरिअम्बिका ग्राम अंडर द साल ट्री। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे सब याद कर लेना, कौन से पेड़ के नीचे, साल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन की थी, और ही अटेंड सुप्रीम नॉलेज, तो उन्होंने जो अपनी नॉलेज जहाँ पे इन्हें एनलाइटमेंट मिली थी वो कहाँ मिली थी, कैवेल्या में। फ्रॉम नाउ उसके बाद जब इन्हें एनलाइटमेंट मिल गई थी तो इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा, जैन के नाम से, जितेंद्र के नाम से और महावीरा के नाम से लोग इन्हें जानने लगे, और जो इनके फॉलोअर्स होते थे उनको किस नाम से बुलाया जाता था, जैन के नाम से बुलाया जाता था। और ही ऑल्सो गॉट द टाइटल अरिहंत, और इन्हें कौन सा टाइटल मिला था, अरिहंत के नाम का टाइटल महावीरा को मिला था, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्ध है, मैं आपको साथ ही साथ कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दोनों धर्म के बारे में आपको बातें क्लियर हो जाए, बाकी जब मैं आपको बौद्ध धर्म बताऊंगी तो उसमें भी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपके गौतम बुद्ध थे उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्था था, ठीक है, जब उन्होंने इनलाइटमेंट मिल गई थी तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। इसी तरीके से यहाँ पर जब महावीरा को इनलाइटमेंट मिल गई, मेडिटेशन करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इन्हें क्या क्या बुलाया जाने लगा, जैन, जितेंद्र और महावीरा के नाम से इन्हें लोग बुलाने लग गए। क्लियर हो गया, तो जगह याद रखना कैवेल्य है जहाँ पे उन्हें इनलाइटमेंट मिली थी, जहाँ पे इन्हें नॉलेज गेन की थी इन्होंने। अब हम बात करेंगे जो इन्होंने तीन रत्न दिए थे जैनिज्म ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कौन से तीन रत्न दिए थे, पहला उन्होंने कौन कौन सा दिया था, पहला उन्होंने दिया था राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड देन राइट नॉलेज, ये तीन चीज इन्होंने दी थी। और इन्होंने बोला था राइट फेथ मतलब सही विश्वास होना चाहिए, ठीक है, सही कार्यों में, राइट नॉलेज होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, हर एक काम जो भी हम कर रहे हैं तो उसकी हमें पहले क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। राइट कंडक्ट का मतलब है हमारे सही कर्म होने चाहिए, सही कार्य करने चाहिए हमें। उसके राइट कंडक्ट में ही अब उन्होंने क्या कुछ पांच चीजें हमें बोली हैं कि वो हमें क्या कौन से सही कर्म करने चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो पांच चीजें उन्होंने क्या दी थी, तो फाइव वोज हम देखेंगे। तो गौतम बुद्ध ने पांच चीजें क्या क्या दी थी, तो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। पहले उन्होंने बोला था अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरा सत्य, डू नॉट स्पीक अ लाई, तीसरा बोला था असत्य, डू नॉट स्टील, ठीक है, फिर है अपिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, और ब्रह्मचार्य यानी सेलिब्रिटी। तो ये पांच इन्होंने भी दिए थे, और ये पांच बातें बोली थी कि आप लोगों को कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी पे भी, किसी के भी हिस्से की प्रॉपर्टी, इन सबका लालच आपके मन में नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। पांचवा जो दिया था, जो कि महावीरा ने ऐड करा था, वो उन्होंने बोला था सेलिबेसी, आप लोगों को कभी भी शादी नहीं करनी। तो अगर जिन लोगों ने इन पांच बातों को फॉलो करा तो वो फिर जैन को, उनका जैन धर्म है, इसमें आ सकते हैं। जो कोई भी मॉन्क्स या नन अगर इस जैन धर्म को अब मानना चाहते हैं, अब इसी में रहना चाहते हैं, तो इनको ये पांच बातें माननी पड़ेगी, तभी वो जाके इसमें इनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके डिसाइपल्स बन सकते हैं, किसके, महावीरा के। तो जिनको भी जैन धर्म में आना है, जो जैनिज्म है उसमें आना है, तो जिसको भी मॉन्क्स और नंस बनना है, तो उनको ये पांच बातें फॉलो करनी पड़ेंगी महावीरा जी की, जो इन्होंने ये बातें बोली थी। तो उससे पहले इन्हें पांच कस्में खानी है, तब जाके वो यहाँ पर आ सकते हैं इन जैन धर्म में। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्स्ट टू फोर्थ एडिड बाय, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ये लास्ट है ब्रह्मचार्य की, शादी नहीं करनी है, बिना शादी के रहना है, तो वो बात तो ऐड की थी महावीरा ने, लेकिन जो स्टार्टिंग की है ये ऐड की थी पार्श्वनाथ जी ने। ये बात भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्टार्टिंग के चार जो बोली है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा नहीं करना,
ठीक है। और किसी भी के भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रखना, किसी की हड़प करके नहीं रखना, ये सारी बातें बोली थी किसने, परशुनाथ ने ऐड की थी। लेकिन जो पांचवें नंबर पे आपके आई है वो महावीरा ने ऐड की थी। क्लियर हो गया? आई होप अब आप लोगों को जैन धर्म अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब आप दो चीजें देखेंगे, सेक्ट ऑफ जैनिज्म कौन कौन सी दी थी। तो पहली दी थी इन्होंने श्वेतांबरस। श्वेतांबरस में क्या है, पीपल हु पुट ओनली क्या था, व्हाइट ड्रेस। श्वेतांबरस का मतलब है श्वेत से, आप लोग समझ रहे हैं, व्हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, व्हाइट ड्रेस पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे। और उस समय जो उसके लीडर था वो कौन था, स्थूल स्थूल भद्रा, स्थूल भद्रा था। और ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या थे, सारे लोग क्या व्हाइट कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे। दूसरी जगह बात करेंगे दिगंबरस, तो दिगंबरस में क्या पे, यहाँ पे क्या फर्क था, दे हैव अ नेक्ड अटायर। तो यहाँ पे इन्हें कोई भी कपड़े नहीं पहनने पड़ते थे, ये लोग नेक्ड रहते थे। और उस समय जो उसका लीडर था वो कौन था, भद्रबाहु। ये दोनों पॉइंट याद रखना, स्थूल भद्रा और भद्रबाहु, ठीक है। तो जैनिज्म के जो दो सकते हैं क्या थे, एक तो श्वेतांबर्स जिन्हें सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हैं, और दूसरा क्या है, दिगंबर्स जिन्हें क्या रहा है, पूरा नेक्ड अटायर है, कुछ भी कोई भी क्लोथ नहीं पहनना है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे जैन की काउंसिल हुई थी, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी चार काउंसिल हुई थी, ऐसे जैन धर्म में दो काउंसिल हुई थी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो पहली काउंसिल हुई थी वो कौन सी जगह पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। याद रखना, जो पहली जैन की काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय जो रूलर था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से ईयर था, 300 BC। और इन्होंने इस समय क्या किया था, 12 अंग वर्क कंप्लीट, जो 12 अंग आए थे यहाँ पर इस पहली काउंसिल में हमें देखने को मिलती है। यही हम बात करेंगे दूसरी काउंसिल की। तो दूसरी काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वल्लभी गुजरात में, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई थी वल्लभी गुजरात में। कौन से ईयर में, 512 AD में हुई थी, और इसमें आउटकम क्या था, द फाइनल कंप्लीशन ऑफ 12 अंग जो लेकर आए थे, और 12 उपंग ये डन हो चुका था फाइनली, ठीक है। तो 12 अंग और जो 12 उपंग ये आए थे, कंपाइल की थी, फाइनली ये क्या हो गई थी, डन हो चुकी थी। तो ये थी इनकी, आप लोगों की पूरी जैन की काउंसिल, ये दो थी, ठीक है। बौद्ध धर्म में चार काउंसिल की गई थी। अब बात करेंगे डिफरेंस की। तो अब मैं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस बताऊंगी कि जैनिज्म और बौद्धिज्म में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया जो जैन धर्म है, तो जैनिज्म में कौन है, आप लोगों के रियल फाउंडर है महावीरा। और यही बात करेंगे बौद्ध धर्म के, जो यहाँ पे सिद्धार्थ थे, इन्होंने जैन धर्म ने इनलाइटमेंट, इन्हें जो इनलाइटमेंट मिली थी वो साल के पेड़ के नीचे की मिली थी, और बौद्ध धर्म के जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध थे उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। हमारे जो जैन धर्म है वो कौन से वंश के थे, तो वो जांतिका के थे, और क्लेन, और जो हमारे बौद्ध धर्म है वो किसके, साक्या के थे, ठीक है। हमारे जैन धर्म ने तीन रत्न दिए थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो यही अगर हम बात करेंगे, तीन रत्न बौद्ध धर्म ने दिए थे, बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। दो सेक्ट यहाँ पे दिए थे, श्वेतांबर और दिगंबर जो मैंने अभी बताया जैनिज्म ने। और अगर हम दो सेक्ट बात करेंगे, हीनयान और महायान दिए थे बौद्ध धर्म में। इनकी जो साहित्य थी जैन धर्म की वो पाली लैंग्वेज में थी, और पाली लैंग्वेज जो थी वो बौद्ध धर्म की थी। जैनिज्म जो फैली थी उनकी दो काउंसिल हुई थी, और स्प्रेड हुई थी जो बौद्ध धर्म की उनकी चार काउंसिल हुई थी। तो काउंसिल कब हुई थी, जब इनकी मृत्यु हो गई थी बौद्ध धर्म की, उसके बाद इनके जो लोगों ने ये काउंसिल की थी, और जहाँ पर पूरे गौतम बुद्ध के बारे में ये बातें बताई थी, ऐसे ही महावीरा के बारे में जो भी चीज़ें उन्होंने करी है, एनलाइटमेंट पाई है, नॉलेज गेन की है, वो सब कुछ इस काउंसिल में होता था, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी की मैं आपको बौद्ध धर्म जो है डिटेल में वीडियो अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर के आऊँगी, लेकिन मैंने आज आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है और आइडियाज़ दे दिया है कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, पूरा कंप्लीट जैनिज्म में जितनी बातें आज ये बताई है, इतना ही सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही मैं आपके लिए आगे जो क्वेश्चंस लेके आऊँगी, आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आपसे बौद्ध और जैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर पाएंगे। ओके, ऐसी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।